ओके, स्टार्ट करते हैं विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की कुछ शीट्स चल रही थी हमारी, जाते हुए करेंगे इसे कंप्लीट। अभी फर्स्ट लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने फर्स्ट लॉ में किया, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डेंस में था। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हैं, उसमें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट लॉ आपको हीट की डायरेक्शन की कभी बात नहीं करेगा कि हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेगा कि कितनी हीट आई, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी में लग गई और कितने का वर्क डन हो गया, लेकिन डायरेक्शंस की कभी बात नहीं करेगा कि कब वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड कब हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हीट हमेशा वर्क डन में कन्वर्ट होगी या वर्क डन हमेशा हीट में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल है, आपने एक बुलेट चलाई, वो बुलेट को आपने काइनेटिक एनर्जी दी, बुलेट किसी ऑब्जेक्ट को जाके लगी और उसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो आपने ये बोला कि वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? उल्टा कर लो, आप बुलेट को गर्म कर लो और आप ये सोचो कि वो काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगी, कभी भी नहीं कर रही। तो ये तो उल्टा तो ट्रू ही, कि आप उसको हीट दे रहे हो और उसने काइनेटिक एनर्जी अटेन की, ये हो नहीं रहा। तो ये चीजें डायरेक्शन कौन बताएगा कि कब वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रही है और कब हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगा। तो इसलिए फर्स्ट लॉ की पहली प्रॉब्लम तो यही है, इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। और सेकेंड लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट टेल द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, कब हीट वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है और कब नहीं की जा सकती। फर्स्ट लॉ नहीं बताता, सेकेंड लॉ बताता है। और थर्ड है, इट डज नॉट इंडिकेट दैट व्हाई होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंटीन्यूअसली। ऐसा क्यों होता है कि आपने जो है हीट जनरेट की और वो कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट क्यों नहीं होती, उसमें आपका लॉस होगा ही होगा, एनर्जी का लॉस होता है। आप गाड़ी भी चलाते हो, इंजन काम करता है, तो इंजन क्या है कि आपने जितनी भी हीट जनरेट की पेट्रोल डलवा के, उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं हो पाता, वर्क डन उससे काफी ज्यादा कम हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स इन्वॉल्वड है। एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो पाती, सेकेंड लॉ आपको बताएगा। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, अपने आप चलने वाली मशीन बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, ना बिजली से चलती है, ना पेट्रोल ना डीजल, कोई एनर्जी नहीं लेती, इम्पॉसिबल है ऐसी मशीन के लिए अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर एट हायर टेम्परेचर। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि अपने आप कोई बॉडी लोअर टेम्परेचर, ठंडी बॉडी में से हीट को निकाल के गर्म बॉडी में डाल दे। गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में तो हीट बाय नेचर आती है, पर ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी अपने आप कभी नहीं जाती। ये रूम मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, गर्मी है, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी है। गर्मियों में ऐसे होता है ना, बाहर तो धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी है, अंदर उतनी गर्मी नहीं है बट गर्मी तो है। तो आप एसी लगाना चाहते हो ताकि टेम्परेचर ठंडा हो जाए, तो आपका एसी क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर रूम में से हीट को निकाल के बाहर हायर टेम्परेचर में फेंकता जा रहा है। जबकि बाय नेचर बाहर से हीट तो अपने आप आती है पर अंदर से बाहर नहीं जा रही। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यह काम करना पड़ेगा, अपने आप कोई एसी अपने आप नहीं चलेगा। फ्रिज है, बाहर रूम का टेम्परेचर 30 है और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मान लो 20 है, आपने पानी को रखा ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो अपने आप तो ऐसा हो ही सकता ना कि फ्रिज अपने आप ही चले और अपने आप ही पानी में से हीट निकाल निकाल के बाहर फेंके, नहीं हो सकता। आपको फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, ताकि पानी में से हीट निकाले और जो उसका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है उसके अंदर का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, बाहर से तो डाउन ही है, तो ठंडी बॉडी में से हीट निकाले और बाहर फेंके जहां गर्मी है। तो इसके लिए अपने आप कोई मशीन चलेगी नहीं, इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये जो आज का काम है वो है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो जब आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, हीट इंजन। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जिसमें हीट जनरेट की जाती है और वर्क डन परफॉर्म किया जाता है। कैसे? जो भी आपने हीट जनरेट की वो एक सिलेंडर के अंदर परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट आपने, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है,
ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, गैसेस जनरेट होंगी जब हीट बर्न होगी, इसमें हीट जनरेट होगी फ्यूल बर्न करने से, तो पिस्टन बाहर आएगा। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी एड्स आती हैं जिसमें आप वो इसमें ऑयल की एड डालते हैं कि इंजन में ऑयल डालना, इंजन ऑयल की, पिस्टन आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ताकि फ्रिक्शन ना हो पिस्टन और उसके बीच में, ताकि ऑयल डालना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि ये पिस्टन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, मींस सिलेंडर में गैस एक्सपैंड कर रही है, फिर कंप्रेस हो रहा है, पिस्टन बाहर और अंदर आ रहा है, ये फिनोमेना है। ये फर्दर एक व्हील के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से, तो जब एक्सपेंशन होती है व्हील आधा घूमता है, कंप्रेशन होता है पीछे, इस तरीके से व्हील घूमना स्टार्ट करते हैं, रॉड अंदर बाहर जा रही है, व्हील आगे पीछे जा रहा है, जैसे ट्रेन का व्हील नहीं देखा, वो रॉड लगी होती है, तो इस तरीके से। तो आप इमेजिन कर सकते हो, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, जितनी रेस दबाओगे कंप्रेशन एक्सपेंशन, और व्हील उतनी तेजी से मूव करता है, तो ठीक है ना। हीट किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्कडन में, तो वर्कडन गाड़ी चल पड़ी तो वर्कडन हो गया। तो ये फिनोमेना के ऊपर ये पूरा हीट इंजन बेस्ड है। तो वो ठीक कह रहा है, हीट इंजन एक डिवाइस है फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, पहला पॉइंट है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी हीट इंजन में। पहली जो चीज है वो है सोर्स, सोर्स हीट जहां पे बर्न होती है उसको सोर्स बोलते हैं, और सोर्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है T1। तो ये चेंज नहीं होता, मतलब ये गैस बर्न, आप फ्यूल बर्न करते रहें और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कितना T1, बहुत हाई टेम्परेचर है। फिर इंजन करता क्या है, इस सोर्स में से हीट को बाहर निकालता है, कितनी हीट बाहर निकाली, Q1, उसका वर्क डन किया, गाड़ी चलाई या कुछ भी काम किया, वर्क डन किया, और बची हुई हीट जो किसी काम की नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बची हुई हीट कहां फेंकी जाती है, जिस जगह पे फेंकते उसको सिंक बोलते हैं। सिंक का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सोर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो सिंक कोई भी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें हीट को फेंका जा सकता है और उसका टेम्परेचर चेंज भी ना हो, तो सोर्स का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है T1, सिंक का टेम्परेचर है T2। सोर्स बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और सिंक लो टेम्परेचर पे होता है, तो T1 इसमें बड़ा चलेगा, T2 इसमें छोटा होगा। तो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट उठाई, कुछ वर्क डन किया और बची हुई हीट को फेंक दिया, तो बोलो वर्क डन कितना किया, Q1 माइनस Q2। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, क्या पॉइंट क्लियर है। तो कितनी हीट को उठाया जाता है सोर्स से Q1, कितनी हीट को फेंका जाता है Q2, और वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। एक एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ईटा। एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इंजन आउटपुट क्या दे रहा है, वर्क डन कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कोई काम कर रहा है, वर्क डन आउटपुट है। और इनपुट हमसे क्या ले रहा है, हीट ले रहा है, कितनी, Q1, W by Q1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्लियर है, कितना वर्क डन हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना इनपुट हीट है, कोई डाउट इसमें। वर्क डन की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2, तो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। आप इसमें Q1 से इसको डिवाइड करें, Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ये 1 हो गया, माइनस Q2 बाय Q1। तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये इन जनरल हीट इंजन है कोई भी, और हीट इंजन भी कई तरीके के हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है। इंटरनल कंबस्टन के अंदर बेसिकली क्या है कि जहां पर फ्यूल जो बर्न हो रहा है, गैसेस जो बर्न हो रही हैं, वो इंजन के अंदर ही हो रही हैं। जैसे आजकल के सारे इंजन इंटरनल कंबस्टन है, लेकिन एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, बाहर आपने फ्यूल को बर्न किया, फिर वहां से एनर्जी को गैस को अंदर लेके आए। जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम कहीं और जनरेट हो रही है और फिर उसका वर्क डन कहीं और हो रहा है। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाते नहीं, बट हम इंटरनल कंबस्टन इंजन ज्यादा यूज करते हैं। पहला साइंटिस्ट जिसने इंजन के ऊपर काम किया और उसने एक जो है हीट इंजन की थ्योरी बनाई, जिस साइंटिस्ट का नाम था कारनोट। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, कारनोट इंजन। कारनोट ने इंजन बनाया नहीं, अब ये ना सोचो उसने गाड़ी बनाई और हमने देखा उसने चला के दिखाई गाड़ी, उसने कुछ नहीं ऐसी गाड़ी बनाई,
ना उसने फिजिकल कोई इंजन बनाया, ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो उसने किताबों में बनाया कि अगर ऐसा किया जाए तो इंजन बनाया जा सकता है, मैथमेटिकली चीजों को करके दिखाया। तो ये एक्चुअल में कोई कार्नोट इंजन नहीं बनेगा मिलेगा आपको। हाँ, इसको स्टडी करके मैकेनिकल इंजीनियर्स ने आके काम किया और वाकई सच में इंजन बनाए और इंजन चलते भी, आपको मालूम है इंजन काम करते हैं। पर पहला एक हाइपोथेटिकल इंजन जो बना, जो इसमें उसने मैथमेटिकली सारी कैलकुलेशंस करके दिखाई, जिसका नाम था कार्नोट इंजन। ये पूरी शीट के ऊपर लिखे फॉर एनसीईआरटी, और ये कार्नोट साइकिल आएगा, कार्नोट साइकिल पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। इस शीट नंबर का नाम है 167। तो इसके अंदर क्या गिवन है कार्नोट इंजन में, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूसली। तो हीट को लगातार किसमें कन्वर्ट करता रहता है, मैकेनिकल वर्क डन में, ये वो इंजन है। और एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू करता है, साइक्लिक प्रोसेस समझते हो, गैस का एक्सपैंड होना फिर कंप्रेस होना, जो इनिशियल स्टेट है जहां से स्टार्ट हुए वापस वहीं पे आना, इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें होता क्या है, मैं बता देता हूं। एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, यही होता है साइक्लिक प्रोसेस। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक एक्सपेंशन होगी एक कंप्रेशन होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है एक्सपेंशन दो हिस्सों में होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब ये नहीं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऐसा नहीं होता। चार फेजेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब कुछ एक्सपेंशन आइसोथर्मल और कुछ एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, वहीं पर आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। पर प्रोसेस नहीं रहेगा, आपने कहा ये क्यों रहेगा, इकट्ठे क्यों नहीं कर देते आइसोथर्मल या किसी भी कंडीशन पे एक्सपेंशन कंप्रेशन? मैं आपको इसका आंसर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिकली भी चीजों को एक्सप्लेन करना है हमने, और इसने मैथमेटिकली करके दिखाया। तो ये करने के बाद बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी की सुननी पड़ेगी जिसने बनाया। तो इसके अंदर इसके आपने लिखना ऐसे ही है, व्हाट इज कार्नोट लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर आपने एक वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिखना है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहली चीज आपने ये बनानी है डायग्राम, जिसमें सोर्स बनाना है एट टेम्परेचर T1, हायर टेम्परेचर है। यहां पर लिखो इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टैंड के आगे इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। नेक्स्ट है सिंक, सिंक के ब्रैकेट में लिखो टेम्परेचर T2, सिंक के नीचे टेम्परेचर T2, सिंक के नीचे टेम्परेचर T2। नेक्स्ट एक सिलेंडर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस इसमें कोई गैस है, आइडल गैस है, और ये जो बेस है ये कंडक्टिंग बेस है, हीट अंदर बाहर जा सकती है, ऑब्वियसली तभी एक्सपेंशन होगी जब हीट अंदर जाएगी। तो बेस क्या होगा इसमें, कंडक्टिंग होगा। तो ये फिगर बना लोगे, पूरी डायग्राम बना लोगे, उसके बाद दो चार लाइनें हर चीज के बारे में लिखनी पड़ेगी, जैसे सोर्स क्या है, सोर्स में लिखेंगे, या सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक इंसुलेटिंग वॉल्स है, दीवारें इंसुलेटिंग है लेकिन बेस कंडक्टिंग है ताकि हीट अंदर बाहर आ जा सके। हीट सोर्स है T1, हीट सोर्स क्या है, इट इज अ बॉडी एट अ लार्ज थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हीट को स्टोर कर सकती है। इट्स टेम्परेचर T1 इज कॉन्स्टेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम दिस सोर्स, सोर्स से हीट लेगा वर्किंग सब्सटेंस। नेक्स्ट है हीट सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना है T2, इट इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ हीट मे बी रिजेक्टेड बाई वर्किंग सब्सटेंस इनटू अ सिंक, और सिंक का टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है। तो सिंक वो बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर पे, और बची हुई हीट को सिंक में फेंका जाता है और इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टैंड इसलिए क्योंकि जब वो सिलेंडर के बेस के ऊपर आ जाएगा कभी, तो हीट एक्सचेंज बिल्कुल ही बंद हो जाएगी सिलेंडर की, ताकि प्रोसेस एडियाबेटिक हो सके। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बेस को बंद करना पड़ता है, तो बेस को बंद करने के लिए कौन सा स्टैंड लेके आना पड़ेगा, इंसुलेटिंग स्टैंड। और नेक्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस, आइडल गैस को यूज किया जाएगा वर्किंग सब्सटेंस,
क्योंकि ये हाइपोथेटिकल इंजन है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी गैस, उसने आइडल गैस का एज्यूम किया। फिर आपने इसकी लिखनी है वर्किंग, राइट। वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहली चीज, वर्किंग के अंदर एक एक करके हम स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप है वर्किंग सब्सटेंस के अंदर, सॉरी इसके अंदर, कि ये इमेजिन करो सिलेंडर सोर्स के ऊपर रख दिया। आपको कि ये क्या है, कैसा इंजन सोर्स के ऊपर रख दिया, ऐसा होता थोड़ी ना। ये तो जस्ट एक एज्यूम कर रहा है कि अगर हम इसके कॉन्टैक्ट में ले आए ताकि हीट, जो सोर्स की हीट है, वो इसको मिलनी स्टार्ट हो जाए गैस को, और गैस की क्या स्टार्ट हो जाए, एक्सपेंशन। अब जो गैस है जब वो इसके ऊपर आएगी, इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, तो सोर्स का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, तो गैस का टेम्परेचर भी एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा T1। तो सोर्स का टेम्परेचर T1, तो गैस का टेम्परेचर भी T1, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर अगर जो, क्योंकि इसका सोर्स का टेम्परेचर चेंज तो होगा नहीं, तो गैस का भी चेंज नहीं होगा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मैं इसका साथ के साथ वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो आप चेक कर सकते हो कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर T1 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 और T1 है। तो A से लेके B तक ये ग्राफ क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ग्राफ तैयार हो गया यहां तक। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हुआ क्या, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को लिया सोर्स से, और ऑब्वियसली एक्सपेंशन में वर्क डन हुआ। तो जो भी Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली उसने सोर्स से, उसका अमाउंट ऑफ वर्क डन W1 हुआ। और आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, RT1, टेम्परेचर T1 चल रहा है, लॉग ऑफ 2.303 लगाया नहीं ताकि यहां पर बेस E रहे, बड़ा वॉल्यूम बाय छोटा वॉल्यूम, वैसे नॉर्मली फॉर्मूले में यूज होता है फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यहां पर वॉल्यूम ए पॉइंट पे कितना V1 है और बी पॉइंट पे वॉल्यूम कितना V2 है। तो पहला स्टेप क्लियर है, 1 मोल के लिए V2 और V1, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, कोई डाउट इसमें? ठीक। और वर्क डन निकालने का एक तो मैथमेटिकल तरीका है और एक ग्राफ एरिया वाइज भी तरीका है, कि आप इसके अंडर एरिया निकाल दें ए बी के, तो वो भी आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन माना जाएगा। कैसे, जैसे एरिया अंडर ए बी, छोटा बी, छोटा ए और बड़ा ए। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये स्टेप क्लियर है। तो ग्राफिकली भी लिख दिया उसने और मैथमेटिकली भी लिख दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी पूरी एक्सपेंशन नहीं हुई, अभी तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है। अब और एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन धीरे धीरे होती है, एडियाबेटिक तेज होती है। तो आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, आपने सोर्स के ऊपर रख दिया था, धीरे धीरे हीट आती गई, एक्सपेंशन होती गई। अभी एक्सपेंशन हो ही रही थी, उसी टाइम आपने क्या किया, इस गैस को, इस सिलेंडर को उठा के स्टैंड पे रख दिया, या स्टैंड इसके नीचे रख दिया, एक ही बात है, बेस बंद कर दिया। अब हीट अंदर बाहर गैस की तरफ नहीं जा सकती, तो अब होगा क्या, अब एक्सपेंशन हो रही है लेकिन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। तो गैस एक्सपैंड हुई, उतनी नहीं हो पाई पर फिर भी एक्सपैंड तो हुई। ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। ये प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट ली थी, Q1, और एडियाबेटिक में भी एक्सपेंशन हो गई, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहां से कहां हो गई, V2 से V3 पे हो गई, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि हीट एक्सचेंज तो थी नहीं, आपने गैस को एक्सपैंड कर दिया, टेम्परेचर डाउन हो गया, एक्सपेंशन से कूलिंग हो गई, तो T1 से टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया, T1 से टेम्परेचर T2 पे आ गया, कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अभी आधा काम हो गया, एक्सपेंशन हो गई पूरी, तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन रह गया। मैथमेटिकली साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन हुआ, वर्क डन इन एक्सपेंशन हुआ, पर यहां पर क्यू का कोई काम नहीं है क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हुई। वर्क डन तो हुआ, जैसे इसमें तो वर्क डन भी हो, हीट भी ली इसने, लेकिन इसने हीट नहीं ली, इसने सिर्फ वर्क डन किया। और एडियाबेटिक का 1 मोल का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, आर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर क्या था, T1, और अब कितना हो गया, T2, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और एरिया वाइज, एरिया अंडर बी सी सी बी एंड बी, क्या स्टेप क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 भी क्लियर है, हम थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ भी कर रहे हैं और साथ में मैथमेटिकल भी कर रहे हैं।
ठीक हो गया यहां तक। तीसरा, अब बारी है कंप्रेशन की, एक्सपेंशन जो होनी थी हो गई, अब वापस पिस्टन को अंदर लेके जाएं, दो स्टेज में लेके जाएंगे तो अभी क्या होगा, टी टू टेम्परेचर पर दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन कहां से कहां हो रहा है, वी थ्री से लेट अस सपोज वी फोर तक, है ना, वी फोर, ये वी वन है, ये वी वन है, वी थ्री से वी फोर तक, तो गैस का वॉल्यूम अब कंप्रेस हो रहा है लेकिन टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। तो पहले यहां से शुरू करेंगे, पहले हम गैस को यहां लेके गए थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर इसके ऊपर लेके गए थे आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अब गैस को इसके ऊपर रख दिया और उसे कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो बेस तो खुल गया था, स्टैंड तो हटा दिया, तो हीट बाहर निकलेगी, हीट कहां पर चली गई, सिंक में चली गई, बची हुई हीट सिंक में फेंक दी, कितनी फेंक दी, क्यू टू, तो क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट हमने रिजेक्ट कर दी और टेम्परेचर रिमेनिंग दी सेम, क्योंकि सिंक के कॉन्टेक्ट में, तो टेम्परेचर जो सिंक का होगा वही गैस का होगा, तो टेम्परेचर टी टू टी टू टी टू टी टू टी टू, कोई डाउट इसमें। और लास्ट फेज है, हम फिर से गैस को कहां पे लेके आएंगे, अब एक और चीज मैथमेटिकल सच, मैथमेटिकली यहां पे चलते हैं थर्ड फेज में। आइसोथर्मल कंप्रेशन में कितनी हीट को रिजेक्ट किया, क्यू टू, और कंप्रेशन का वर्क डन आया, फॉर्मूला क्या बनेगा, आर टी टू, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है एट टेम्परेचर टी टू, लॉग ऑफ, रूल तो ये बोलता है कि फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, है ना, आइसोथर्मल में फॉर्मूले का रूल तो यही है, न्यूमिनेटर में फाइनल वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में इनिशियल वॉल्यूम। रूल वाइज क्या बनता है, फाइनल वॉल्यूम V4 डिवाइडेड बाय V3, रूल वाइज तो ये बनता है कि वर्क डन आना चाहिए Q2 W3 R T2 नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, राइट। मुझे एक बात बताओ, फाइनल वॉल्यूम V4 छोटा है कि V3 छोटा है, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आना भी नेगेटिव चाहिए बिकॉज वर्क डन इन कंप्रेशन नेगेटिव है, सही है। तो फिर अगर आपने ऐसे पुट कर दिया ना, तो इसका मतलब आपको साइन कन्वेंशन यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली माइनस साइन बाहर आएगा। साइन कन्वेंशन कौन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन वो यूज करते हैं जिन्होंने याद किया हुआ है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, मेरे को मेरा वर्क डन पॉजिटिव चाहिए और मैं बाद में पुट कर लूंगा देखते हुए कि कंप्रेशन है तो माइनस, एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव। जैसे बुक्स ज्यादातर क्या करती हैं, वो वी फोर बाई वी थ्री नहीं करती, वो बड़े वॉल्यूम बाई छोटे वॉल्यूम को कर लेती हैं। देखो रूल वॉयलेट किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि बड़ा वॉल्यूम ऊपर रखेंगे छोटे वाला नीचे ताकि ये टर्म पॉजिटिव ही आए, क्योंकि V3 बड़ा है और V4 छोटा है, पर रूल वाइज तो गलत है। तो फिर वो ये कहते हैं क्योंकि वर्क डन इन कंप्रेशन है इसलिए साइन कन्वेंशन यूज करके आगे क्या लगेगा, माइनस। तो एक ही बात है यार, तुम यहीं पे ऐसे कर देते तो माइनस की जरूरत क्या थी, पर अब तुमने यहां चेंज कर दिया तो अब आपको साइन कन्वेंशन हिसाब से आगे माइनस लगाना पड़ेगा, अभी बाद में लगेगा लगाना मत अभी, क्या पॉइंट क्लियर है। तो ये समझ में आया कि इन्होंने क्या किया, बड़े वॉल्यूम को ऊपर रख दिया ये देखते बिना देखे कि इसमें क्या आना चाहिए था, बड़ा पॉइंट छोटा, वो तो बाद में देख लेंगे प्लस माइनस का क्या करना है, राइट। तो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया अंडर सी डी डी सी और सी, ये स्टेप क्लियर है। और लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है जिसके अंदर अब इस गैस को वापस से स्टैंड पे रखा जाएगा, बेस को बंद कर दिया और कंप्रेस किया, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो था नहीं, तो टेम्परेचर एकदम राइज हो गया, टेम्परेचर वापस टी टू से कितना हो गया, टी वन हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे आपने कंप्रेस किया, टेम्परेचर टी टू से टी वन हो गया, और ये प्रोसेस को क्या नाम दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है यहां तक। स्टैंड पे, क्योंकि स्टैंड पे रखते ही कंप्रेस किया, टेम्परेचर वापस टी वन हो गया, कंप्रेस करने से टेम्परेचर राइज होगा ना, इतना राइज हो गया तो टी वन हो गया, उसको उठा के फिर ऊपर ले गए तो उसके बाद तो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया, ठीक, साइकिल कंप्लीट तो तभी होगा ना।
फेंक दी बची हुई एनर्जी फेंक दी, वर्क डन करने के बाद फेंक दी, क्यू टू फेंक दी, ठीक। हाइपोथेटिकल है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर ये स्टेप भी क्लियर है, और क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और ध्यान से आगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट का कोई काम नहीं है, वर्क डन इन कंप्रेशन हुआ आर, रूल तो ये बोलता है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो बनता तो ये है कि इनिशियल टी टू से टी वन पे गए, तो इट शुड बी टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, बट अगर मैं टी टू पहले रख लूंगा तो ये वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, और कायदे से होना भी नेगेटिव चाहिए क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, और आपकी बुक्स क्या करती हैं, वो कहती हैं छोड़ो इनिशियल फाइनल, वो कहती है बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सोर्स का टेम्परेचर टी वन बड़ा है, सिंक का छोटा है, किसी भी तरीके से वर्क डन को पॉजिटिव ले आओ, बाद में ये बोल दो क्योंकि कंप्रेशन का वर्क डन है तो आगे माइनस साइन कन्वेंशन आ जाएगी। तो या तो वो रूल फॉलो कर लो कि ये बड़े में से छोटा कर लो, एंड में माइनस लगा लो, या सीधा लिख दो टी टू माइनस टी वन, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बात है, पर मैं बुक की तरीके से चल रहा हूं तो ऐसे सही। तो और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया वाइज तो आप लिख ही लोगे, इसमें एरिया अंडर डी ए ए और चार वर्क डन आ गए, हीट का एक्सचेंज सिर्फ दो बार हुआ है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन में, बाकी में हीट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन एक साइकिल में, साइक्लिक प्रोसेस में, W1 plus W2 plus W3 plus W4, पर क्योंकि W1, W2 में एक्सपेंशन हुई थी, W3 और W4 में कंप्रेशन हुआ था, और हमने भी कुछ वहां पर आपको याद है ना कर दी थी बड़े और छोटे वाली, तो साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी, एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क डन है और कंप्रेशन में नेगेटिव है। तो अगर आप इसमें बड़े ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड किसका, एडियाबैटिक में W2 का और W4 का एग्जैक्टली सेम है, देखो सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसल, तो वर्क डन क्या आएगा, W1 माइनस W3। पर क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में W1, W1 किसके इक्वल है, Q1, और W3 किसके इक्वल है, Q2, तो मैं यहां पर W1 की जगह Q1, W3 की जगह Q2, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन एक साइकिल का क्या आ गया, Q1 माइनस Q2, जो कि बहुत इजीली मैंने आपको एक लाइन में यही समझा दिया था, किसी भी इंजन के लिए इट शुड बी Q1 माइनस Q2, पर क्योंकि कारनॉट ने अपने मैथमेटिकल पूरी फॉर्मूलाज लगा के इस चीज को प्रूव किया, इसका मतलब सही कर रहे जो कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि एक ही बार में कंप्रेसर एक्सपैंड क्यों नहीं कर देता, आप कर लो प्रूव करके दिखा दो, Q1 माइनस Q2 तो माना जाएगा बिल्कुल सही है, होएगा ही नहीं, कैंसलेशन भी तो चाहिए ना दो बार, राइट। तो मतलब ये उसने देख के किया ताकि एंड में Q1 माइनस Q2 ही बचना चाहिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इंजन करेगा वो Q1 माइनस Q2 ही करेगा, तो एकदम मैथमेटिकली सही है, पूरा लिखना है, यहाँ तक छोड़ना नहीं है, अभी चल रहा है, जब मैं स्टॉप करूंगा तभी वहां तक रुकना, नहीं तो लिखते जाना पेपर में। आगे कोई भी हम जब काम करते हैं या इंजन कार लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं, माइलेज क्या है, एफिशिएंसी नहीं बताओगे तो इंजन की एफिशिएंसी तो बतानी पड़ेगी, पूछे या ना पूछे। और हाँ, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन में चारों एरियाज को ऐड भी करेंगे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, और एंड में पता तो आपको क्या आना है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बीच का एरिया, सीधा लिख देंगे एरिया ऑफ अ साइकिल, राइट। तो ये भी लिखना है एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होती है, मैंने शुरू में बता दिया था, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। अब क्यू टू क्यू वन हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, क्यू टू की जगह क्यू टू, क्यू वन की जगह क्यू वन पिछली इक्वेशन से पुट कर लिया, आर से आर कैंसल, आपके पास ये टर्म बच गई। यहाँ तक क्लियर है एफिशिएंसी, यहाँ तक क्लियर है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक रोक के रखना है इसे। आगे फिर आपने कहना है क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, और ये क्या है एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, चार इक्वेशंस बनानी है, यहां से यहां आइसोथर्मल है तो इक्वेशन बनेगी P1 V1 इज P2 V2, आइसोथर्मल क्लियर। फिर यहां से यहां तक एडियाबैटिक है, इक्वेशन क्या बनेगी P2 V2 रेज टू पावर गामा इज P3 V3 रेज टू पावर गामा। फिर यहां से यहां आइसोथर्मल, P3 V3 इज P4 V4, और फिर एडियाबैटिक, P4 V4 रेज टू पावर गामा इज P1 V1 रेज टू पावर गामा। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो चार इक्वेशन लिख ली, इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो, सारों के लेफ्ट सारों का राइट मल्टीप्लाई कर लिया, तो P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P1 कैंसिल, तो क्या बना V2 रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाय यहां से V2, इसके नीचे ले आओ, यहां करेक्शन करो, लिखो V2, V2 रेज टू पावर गामा के नीचे लिखो V2, V4 रेज टू पावर गामा के नीचे V4, यहां पे V4, और V3 रेज टू पावर गामा के नीचे V3, और लास्ट में V1, राइट? तो इसको सही करके लिखेंगे तो क्या आएगा, V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, V4 raise to power gamma minus 1, V3 raise to power gamma minus 1 and V1 raise to power gamma minus 1. तो अगला स्टेप एकदम सही है, V2 V4 raise to power gamma minus 1 is equal to V3 V1 raise to power gamma minus 1, और gamma minus 1 gamma minus 1 powers cancel, तो ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। हमने एफिशिएंसी यहां तक निकाल के रखी हुई थी, तो अगर बीच में कोई स्टेप भूल भी जाओ ना, याद रखना आपको ये प्रूव करना होता है, ध्यान आके देखो, V3 by V4 की रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू V2 by, मतलब अगर भूल भाल जाओ तो यहां तक तो कर ही लेना, वैसे तो आप कर ही लोगे, बाय चांस भूल गए तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाती है टर्म्स, तो लॉग वाली टर्म्स कैंसिल, एफिशिएंसी क्या आ गई 1 - T2 / T1, यहां तक आपको लिख के आना है कार्नोट में, ठीक। कार्नोट के अंदर फिर फाइनली हमने सबसे पहले ये लिखना है, कार्नोट है क्या, कंस्ट्रक्शन बनानी है, चार लाइनें कंस्ट्रक्शन की लिखनी है, ग्राफ प्लॉट करना है, T1 आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल में Q1 का काम है, एडियाबैटिक में नहीं है, आइसोथर्मल का है, एडियाबैटिक में नहीं है, दो वर्क डन पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, दो वर्क डन कैंसिल हो जाएंगे, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन Q1 माइनस Q2 आ जाएगी, और एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 है, Q2 Q1 आइसोथर्मल से पुट करके यहां पर यह वैल्यू आ गई। चार इक्वेशन लिखेंगे,
आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक की चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रिजल्ट हर हालत में ये कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। कारनॉट क्लियर है? कारनॉट साइकिल के लिए अभी ये तो एक साइकिल है ही है, अगर ये नहीं आएगा तो अगला टॉपिक ये जरूर आएगा, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको बोलते हो, रेफ्रिजरेटर, उसका क्या प्रिंसिपल है इसको समझ लें। हम किसी भी अगर चीज को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो हम सिंक में रखते हैं, हम सोर्स में नहीं रखते। गर्मी में क्यों रखेंगे? फ्रिज के अंदर फ्रीजर का टेम्परेचर डाउन ही होता है, कमरे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कमरे को बोलते हैं सोर्स, फ्रिज के अंदर को क्या बोलते हैं? सिंक। तो आपने पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए किस में रखा? सिंक में। तो पानी में से हीट निकाली फ्रिज ने, और फ्रिज के पीछे गर्मी होती है काफी, वहां फेंक दी, रूम में फेंक दी, रूम गर्म हो जाता है। तो क्यूट सारे एरोज उल्टे हो गए, देखो कारनॉट में नीचे थे, इसमें उल्टे हो गए। तो इसमें Q2 रिजेक्ट नहीं की, इसमें सिंक में से हीट निकाल ली। कितनी? Q2, जो कि अपने आप कभी नहीं निकलेगी, ठंडे में से हीट कभी नहीं निकलती। और फिर कहां फेंक दी? सोर्स में, कमरे में फेंक दी, Q1। तो ये अपने आप कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। इसने हमें वर्क डन करके थोड़ी ना दिया, हमने इसके ऊपर वर्क डन किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितना किया? Q1 - Q2। उल्टे एरोस है, बाहर गर्मी ज्यादा होगी, बाहर Q1 बड़ा होता है Q2 से। फ्रिज के पीछे जितनी हीट आ रही है उतनी तो वो फ्रिज निकालता भी नहीं, अंदर से 2 कैलोरी निकाली तो बाहर 3 कैलोरी तक जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्कडन है वो भी हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बराबर नहीं है कि जितनी गर्मी निकली उतनी बाहर चली गई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी बाहर आएगी। क्लियर है यहां तक? तो एरो समझ में आ रहे हैं यहां तक? जैसे सपोज करो आपने पानी को रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे सिंक में ताकि वो आइस बन जाए, तो बोलो Q2 क्या होगा? Q2 = mL। कितनी हीट निकाली जाएगी पानी में से? Q2 = mL। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये डायग्राम क्लियर है रेफ्रिजरेटर का? और रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स कारनॉट इंजन। क्या मैं बोल सकता हूं कि कारनॉट इंजन का उल्टा रेफ्रिजरेटर है, उसमें एरोज उल्टे कर दिए? इट विल एब्सॉर्ब Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक एंड लोअर टेम्परेचर Q2 हीट उठाएगा, और वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसके ऊपर? Q1 - Q2। और ये कौन करता है? ये कंप्रेसर करता है। AC और रेफ्रिजरेटर के इंजन नहीं होते, इनके क्या होते हैं? कंप्रेसर्स होते हैं। और इनकी एफिशिएंसी नहीं होती, इनका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। एक बढ़िया इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है, एक बढ़िया रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, बीटा। एक बढ़िया रेफ्रिजरेटर कौन होगा? जो कम बिजली लेगा और जो ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर निकालेगा। जितनी हीट बाहर निकालेगा उतनी जल्दी पानी ठंडा हो जाएगा, और कम बिजली में 5-star रेटिंग हो जाएगा ना AC या रेफ्रिजरेटर। यानी कि जितना कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा उतना बीटा ज्यादा, जितनी हीट ज्यादा बाहर निकाल लेगा उतना ही बीटा ज्यादा। तो बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? Q2 / W। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? याद रहेगा फॉर्मूला? लेकिन हमें यह भी पता है कि W अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कितना किया? Q1 - Q2, ये वैल्यू आ गई। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई Q2 / Q1 - Q2। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को Q2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? Q1 / Q2। ये क्या हो गया? 1। लेकिन हमने कारनॉट में ये सीखा था एफिशिएंसी के 2 फॉर्मूलास थे, 1 - T2 / T1, 1 - Q2 / Q1। अगर हम इन्हें इक्वेट कर लें तो इनकी रेशियो बराबर आएगी, T2 / T1 = Q2 / Q1। तो इसके अंदर भी Q1 / Q2 की जगह रिप्लेस कर दो T1 / T2। इसको सही तरह करके लिखो तो आंसर आ गया। तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस के कुल मिला के 2 तरीके हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं, या तो Q2 / 1 - Q2 या फिर T2 / 1 - T2, कोई भी यूज कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो थ्योरी क्लियर है। इसके बेस पे 167 के बाद शीट नंबर 168
देखो इसमें अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को लिखा मैंने, ताकि आप रिवाइज करें तो आपको पता हो कि क्या करना है। ये कारनोट है, सोर्स का टेम्परेचर T1, सोर्स से कितनी हीट ली जाती है Q1, कितनी सिंक में फेंकी जाती है Q2, सिंक का टेम्परेचर T2, कारनोट वर्क डन कितना करता है Q1 माइनस Q2। पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है एफिशिएंसी का, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसको आउटपुट वर्क डन भी बोलते हैं, लिख लो यहां पर आउटपुट वर्क डन और वर्क डन। कभी कभी ना बुक्स में न्यूमेरिकल में आउटपुट लिखा होता है तो लोग सोचते हैं आउटपुट क्या चीज है, आउटपुट वर्क डन है। तो लिख लें आउटपुट या आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1 इज एफिशिएंसी। पहला फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लें, इसको याद करना है। इसमें आउटपुट वर्क डन, यहां पर आउटपुट वर्क डन बाय Q1, तो एफिशिएंसी क्लियर है, आउटपुट वर्क डन बाय Q1। दूसरा फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस T2 बाय T1, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने करने हैं आज। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर में एरो सारे उल्टे हैं, हमने Q2 हीट निकाल ली और Q1 फेंकी, हमने वर्क डन किया Q1 माइनस Q2। पहला फॉर्मूला जो याद करना है वो क्या है, कितनी हीट निकाल ली Q2, कितना वर्क डन किया W। तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का पहला फॉर्मूला बॉक्स में याद करेंगे डाल के, Q2 डिवाइडेड बाय W। और दूसरा फॉर्मूला तो याद हो ही गया, Q2 बाय 1, Q1 माइनस Q2, या फिर T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ठीक है यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक कभी भी अगर वो वर्ड यूज करे रिजर्वायर, तो इसका मतलब सिंक की सोर्स, ये दो रेजरवॉयर, ये एक रेजरवॉयर, ये दो रेजरवॉयर हैं, एक सोर्स एक सिंक, कैसे पहचानोगे जिसके अंदर ज्यादा हीट है रेजरवॉयर, वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। जो हीट को कंटेन कर सकता है उसको रेजरवॉयर बोलते हैं, सोर्स भी कंटेन कर सकता है सिंक भी कर सकता है, तो रेजरवॉयर के चक्कर में नहीं पड़ना। रेजरवॉयर वर्ड आपको कुछ नहीं बताएगा, ये सिर्फ कंफ्यूज करेगा पूरे न्यूमेरिकल में, आपका मन करेगा रिजर्वायर है तो शायद सोर्स से सिंक पुट करूं, आपने उस वर्ड को ही नहीं पढ़ना, आपने ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो कभी सोर्स को बोलता है रिजर्वायर, कभी सिंक को बोलता है रिजर्वायर, दोनों रिजर्वायर है। तो आप रिजर्वायर वर्ड को देखते हुए बिल्कुल जज नहीं करेंगे कि सोर्स है या सिंक है। अब न्यूमेरिकल पढ़ लें, अगर मेरे से ये ना पूछे कि रिजर्वायर सोर्स ले कि सिंक ले, रिजर्वायर वर्ड को प्लीज बिल्कुल ना देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सोर्स टेम्परेचर ऑफ कारनॉट इज गिवन, बोलो सोर्स को T1 की T2, सोर्स T1 सिंक T2, बड़े वाला टेम्परेचर सोर्स का T1, छोटे वाला सिंक का T2। तो T1 इट टेक्स 500 कैलोरी फ्रॉम सोर्स, Q1 की Q2, कारनॉट को ध्यान से याद करें, सोर्स से Q1 लिया जाता है, तो ये क्या बनेगा Q। देखो पूरे गेम में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की तो गेम है, T1 कौन T2 कौन, T1 T2 में तो फैसला करना ही बड़ा आसान है, बड़े वाला T1 छोटे वाला T2, गेम ही खत्म, बड़े वाला T1 छोटे वाला T2। हीट जो ली जा रही है वो Q1, जो फेंकी जा रही है वो Q2, बस इतना सा कैलकुलेशन है। तो इट टेक्स 500 कैलोरी हीट फ्रॉम सोर्स Q1 एंड रिजेक्ट, फेंकी जा रही है यानी कि Q2 सिंक में ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक, तो ठीक है ना केल्विन में कन्वर्ट करने है टेम्परेचर, तो T1 बड़े वाला टेम्परेचर आपको, T1 आपको सोर्स का टेम्परेचर गिवन है, Q1 पता है, Q2 पता है, एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूलास पता है, दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके ये रेशियो आ गई Q2 Q1 गिवन है, T1 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 कैन बी कैलकुलेटेड। केल्विन में आया तो डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रेशियो कैसे यूज करनी है, हीट की और टेम्परेचर की रेशियो क्लियर है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, कारनॉट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन 100 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड टी केल्विन एंड 900 केल्विन, एफिशिएंसी ए और बी पार्ट में सेम है, टी निकाल दो। अब इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बड़े वाला T1 छोटे वाला T2,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, T1 T2 क्लियर है। इसके अंदर T और 900 में से कौन बड़ा कौन छोटा ही तो पता ही नहीं, लेकिन उसने क्या कहा, टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी कि T इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो सिंक यानी कि छोटा, 900 यानी कि बड़ा। तो एफिशिएंसी पहले वाले पार्ट में करें, पहले वाले पार्ट में टेम्परेचर बड़ा T1 छोटा T2, तो यहां से एफिशिएंसी 0.8 आ गई। इस पार्ट में एफिशिएंसी कितनी आई, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 900, छोटे वाला टी है बड़े वाला 900, पर एफिशिएंसी तो कह रहा है ए पार्ट वाली सेम है, तो एफिशिएंसी 0.8 पुट करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है यहां तक। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिवर्सिबल इंजन, कार्नोट इंजन को रिवर्सिबल इंजन भी बोलते हैं, तो ये ना सोचना करवाया नहीं, कार्नोट इंजन का दूसरा नाम रिवर्सिबल इंजन है। तो कार्नोट इंजन या रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स विद 50% एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 50% है। इफ ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइकिल में इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू द रिजर्वॉयर, अब रिजर्वॉयर का मैं क्या करूं, रिजेक्ट्स 150 कैलोरी, रिजेक्ट Q1 की Q2, Q2 फेंकी जा रही है तो Q2 ऑफ हीट 30 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, T1 की T2, देखो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट किस में रिजेक्ट की जाती है, सिंक में, और सिंक का टेम्परेचर इज T2, राइट। यहां तक क्लियर है, तो आपको टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर निकालना है। आप कौन सा रेजरवायर निकालू, सोर्स की सिंक, सोर्स, क्योंकि सिंक तो दे दिया उसने 30, तो ऑब्वियसली बोला था ना रेजरवायर नहीं पढ़ना, बाकी जो मर्जी कर लो, तो कि जो मिसिंग है वो ढूंढना पड़ेगा सोर्स की सिंक। तो इसके अंदर Q2 पता है, T2 पता है, एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 बाय T1, T1 की वैल्यू सोर्स की निकालनी है, सिंक की पता है, तो यहां पर वैल्यू पुट करके T1 कैन बी कैलकुलेटेड, सोर्स का टेम्परेचर आ गया। अब वो ये भी कह रहा है हाउ मच वर्क डज इट कैरी पर साइकिल, वर्क डन कार्नोट का क्या होता है, Q1 माइनस Q2, मेरे को मेरे क्वेश्चन में Q2 गिवन है, Q1 नहीं गिवन, तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी कितनी गिवन है 0.5, Q2 बाय Q1 में मुझे Q2 गिवन है, Q1 नहीं गिवन, तो सॉल्व करके पहले Q1 आ गया, फिर Q1 माइनस Q2 इज वर्क डन पर साइकिल आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटरी का काम कर लेता है रिवर्सिबल में। ठीक, नेक्स्ट है रिवर्सिबल इंजन अगेन कार्नोट कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट, ये रही हीट इनपुट, Q1 इनपुट ली, इसका 1/6 किया इनटू व्हाट, हीट इनटू वर्क, तो वर्क डन क्या हुआ, 1/6 ऑफ इनपुट, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/6 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय W, ओ सॉरी 1/6 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q1, ये क्या चीज है आउटपुट और ये क्या चीज थी, इसको तो एफिशिएंसी बोलते हैं, पहला फॉर्मूला यही तो था आज के असाइनमेंट में कार्नोट में, तो इनडायरेक्टली वर्क डन इज 1/6 ऑफ इनपुट, तो ये आपको एफिशिएंसी के बनना है ईटा। मैंने कहा था ना बॉक्स में डाल लो, आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट इज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी दी थी। अब वो ये कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर निकालो, मान लेते हैं सोर्स का टेम्परेचर है T1, सिंक का T2, तो केस नंबर 1 एफिशिएंसी 1/6 है, जब टेम्परेचर सोर्स का T1 है सिंक का T2 है, तो यहां से T2 T1 का रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। उसने कहा कि अब दूसरे केस में इसको T2 डैश करना, इसे एक मिनट T2 डैश करो, इस पॉइंट को T2 डैश करो, ठीक। देखो सेकेंड केस में उसने ये कहा कि अगर मैं सिंक का टेम्परेचर, ये देखो जो कि कितना था T2, इसको रिड्यूस कर दूं बाय
62 विदाउट चेंजिंग दिस सोर्स, सोर्स को नहीं चेंज करने को कहा, सिंक को 62 कम कर दिया, एफिशिएंसी डबल हो गई, एफिशिएंसी थी कितनी 1/6, डबल करने पे कितनी होगी 1/3। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई T2 T1 की, तो ये और ये क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 T2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे किया इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, कार्नोट इंजन टेक्स इन Q1 Q2 टेक्स है ना, लिया, रिजेक्ट नहीं किया, लिया Q1 Q1 गिवन 1000 किलो कैलोरी फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, ऑब्वियसली सोर्स से लिया होगा, तो 627 टेम्परेचर कितना गिवन, किसका गिवन है, सोर्स का, T1 गिवन है एंड सिंक का गिवन है 27, चलो T2 भी गिवन है। What is efficiency and output? Efficiency तो आ जाएगी 1 minus T2 by T1 into 100, efficiency आ गई। Output या output work done, one and the same thing, लिखा था ना, output या output work done, तो output work done निकाल लें, efficiency क्या होती है, output work done by input Q1, तो in output क्या होगा, efficiency into Q1, efficiency पता है और heat कितनी given है 1000 किलो कैलोरी, output आ गई। फिर वो कह रहे हैं कि एक आंसर और आ गया, एफिशिएंसी 100% कब होती है, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है ना 1 minus T2 by T1, अगर T2 जीरो हो जाए, सिंक जीरो पे आ जाए, तो ये टर्म उड़ जाएगी, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1, 1 का मतलब 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जिसमें हीट फेंकोगे वो जीरो पे कभी नहीं रहती, जीरो केल्विन कैसे मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर या सराउंडिंग का, तो इसलिए एफिशिएंसी कभी 100% आती नहीं है। पर अगर वही अगेन हाइपोथेटिकली सोचना हो, तो T2 जीरो करके एफिशिएंसी को 1 लाया जा सकता है, जो होता नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखना कैसे है पर समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़े, देखो रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन -10 and 27, छोटे वाला टेम्परेचर T2, बड़े वाला T1, इसकी तो पहचान ही बहुत सही है, तो छोटे वाला कौन है -10, बड़े वाला कौन है 27, तो T1 T2 आ गया। कह रहे दूसरा रेफ्रिजरेटर -27 और 17, तो छोटे वाला -27 T2, बड़े वाला T1, कौन सा अच्छा रेफ्रिजरेटर, और दोनों सेम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2000 जूल को फ्रीजर में से हीट को रिमूव कर रहे हैं, बताओ ये 2000 जूल Q1 की Q2, फ्रीजर क्या होता है सोर्स की सिंक में से कितनी हीट निकल ली जाती है Q2, रेफ्रिजरेटर में Q2, कार्नोट में Q1, उल्टा हो जाता है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, वैसे ही पूछ रहा था, कह रहे वो सेम काम करते हैं तो कौन सा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है जिसका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, कर ले कैलकुलेट T2 by T1 minus T2 दोनों के लिए किया, जिसका बीटा बड़ा होगा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर जिसका बीटा गिवन है 5, एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट, ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर कूलिंग कंपार्टमेंट का मतलब सिंक में से ही हीट निकालता है, एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल, बोलो ये क्या गिवन है Q1 की Q2, फ्रीजर में से हीट निकलेगी
उसने ये तो नहीं कहा कि बिजली ने कितना वर्क डन किया इलेक्ट्रिसिटी ने, नहीं, उसने कहा हीट निकाल ली, तो वर्क डन कैसे हो सकता है ये? तो क्यू टू, फ्रीजर में से कितनी हीट निकलती है, क्यू टू, ये क्यू टू गिवन है। हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम, क्या निकालना है, क्यू वन, रूम में कितनी हीट जा रही है, क्यू वन, और कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, क्यू वन माइनस क्यू टू, वर्क डन निकालना है। तो आपको बीटा पता है, क्यू टू पता है, तो इस फॉर्मूले से क्यू वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्यू वन का मतलब रूम में कितनी हीट गई 300 जूल, और इलेक्ट्रिसिटी में हीट कितनी लग गई, क्यू वन माइनस क्यू टू आंसर। ये सारी चीजें पर साइकिल चलती है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? एज्यूमिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, छोटे वाला टेम्परेचर टी टू, बड़े वाला टेम्परेचर टी वन, टी टू टी वन आ गया। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल दैट मस्ट बी सप्लाइड टू फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि आइस बन जाए, अब एनर्जी कैसे सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करोगे और तो कर भी नहीं सकते, तो यू हैव टू कैलकुलेट W दैट इज क्यू वन माइनस क्यू टू, ये निकालना है। तो आपको क्यू टू निकालना आता है कैसे, आप फ्रीजर में पानी रखोगे, कितनी हीट फ्रीजर में से निकलेगी, क्यू टू, और क्यू टू होगा क्या इसमें, क्यू टू इज इक्वल टू ML, क्योंकि पानी पड़ा हुआ था और उसको स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया, तो क्यू टू खुद निकालना पड़ेगा ML। 1 किलो का वाटर है तो 1000 ग्राम इंटू लेटेंट हीट क्या होती है, 80 कैलोरी, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2, इतनी जूल Q2 हम निकालनी पड़ी, डन। पर मेरे को तो क्या निकालना है, Q1 में निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी की दोनों फॉर्मूलास को इक्वेट करके रेशियो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 T1 पता है, Q2 हमने निकाल लिया, ML सॉल्व करके क्या आएगा, Q1, फिर वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, Q1 माइनस Q2 आंसर। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन बार बार उन्हीं फॉर्मूलास को हम यूज करते जा रहे हैं, ठीक? ठीक है, तो लगा कारनोट है ये रेफ्रिजरेटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड रूम टेम्परेचर पे काम करता है, मतलब कि अंदर का टेम्परेचर तो 0 है और बाहर सराउंडिंग का रूम का टेम्परेचर 27 है, मतलब सिंक 0 पे है, सोर्स 27 पे है, तभी तो पानी को 0 पे रखा था, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए ML लगा था, क्योंकि ऑलरेडी अंदर का टेम्परेचर 0 था और पानी 0 पे था। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, टू कारनोट इंजन है, ए एंड बी सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक लगे हुए हैं। फर्स्ट वन ए रिसीव्स हीट एट 800 केल्विन एंड रिजेक्ट्स टू रिजर्वायर एट टी, और सेकंड इंजन बी रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन एट टी एंड टर्न्स रिजेक्ट टू हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर 300 केल्विन। इसको ना डायग्राम से समझाता हूं, ये सीरीज में दो इंजन है, इंजन नंबर ए, इंजन नंबर बी। जो फर्स्ट इंजन है वो काम करता है 800 केल्विन पे
ये सोर्स है इसका, और हीट फेंकता है एट टी केल्विन पे, ये सिंक है। दूसरे वाला साथ की साथ लगा हुआ है जो हीट उठाता है टी से, तो इसके लिए ये इसका सोर्स है, और बाहर फेंकता है एट 300 केल्विन पे, तो इसके लिए इसका सिंक है। इसके लिए सोर्स सिंक, इसके लिए सोर्स सिंक। इसने हीट उठाई Q1, फेंकी कितनी Q2, इसने वही हीट उठा ली Q2 और फेंकी कितनी Q2 डैश। डायग्राम में समझ में आ रहा है सीरीज का मतलब क्या हुआ? ठीक, आपको दो बार टी निकालना है, दो पार्ट्स हैं इसके, टी निकालना है। पहला पार्ट ये गिवन है, जब आउटपुट ए पार्ट आउटपुट ऑफ टू इंजन्स आर सेम और बी पार्ट एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन्स आर सेम, तो चलो जो निकालना है बाद में निकालते हैं, पहले सिर्फ ये बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2 / T1 या 1 - Q2 / Q1? तो रेशियो ये बता रही है 1 - Q1 / Q2 इज इक्वल टू T1 / T2, यानी कि रेशियो बराबर रहेगी T1 / T2 की Q1 / Q2 की। तो Q1 / Q2 इज इक्वल टू 800/T। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, Q1 / Q2 इज 800/T। इसके लिए सेम रेशियो बनाओ, Q2 / Q2 इज T/300, Q2 / Q2 इज T/300। दोनों इक्वेशंस क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ें, ये रेशियो तो सेम ही रहेगी। उसने कहा ए पार्ट है, आउटपुट ऑफ टू इंजन्स आर सेम, आउटपुट का मतलब वर्क डन सेम। तो पहले केस में वर्क डन कितना है Q1 - Q2, दूसरे केस में कितना है Q2 - तो आउटपुट सेम का मतलब Q1 - Q2 इज इक्वल टू Q2 - Q2 - अब मेरे को अपना इस इक्वेशन को टेम्परेचर में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने एक काम किया, यहां से रेशियो देखते हुए दोनों साइड को Q2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया Q1 / Q2 - 1, और ये क्या बन गया 1 - Q2 / Q2। यहां से वैल्यू कितनी है Q1 / Q2 की 800/T, और ये यहां क्या चाहिए Q2 - Q2, तो क्या आएगा 300/T उल्टा। तो इसमें करेक्शन कर लेना, यहां पर 300/T आएगा, 300/T यहां पे, T/300 नहीं, 300/T। आंसर सही है, आंसर 550 केल्विन है, इसको ठीक कर लेना, 300/T करना उल्टा। ठीक ठीक है। और सेकेंड पार्ट पता है क्या है, कह रहा एफिशिएंसी दोनों की सेम है, तो पहले इंजन की एफिशिएंसी क्या है 1 - Q2 / Q1, और दूसरे क्या, दूसरे की क्या है 1 - Q2 / Q2। एफिशिएंसी को इक्वल कर लिया, इक्वल करके आपके पास फिर से वही रेशियो आ गई Q2 / Q1 की, जो ऊपर से रेशियो कितनी है 800/T, और Q2 - Q2 की रेशियो कितनी है T/300, इक्वेट करके T कैन बी कैलकुलेटेड। तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक बार आउटपुट सेम है और एक बार एफिशिएंसी सेम है, पर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर। एक रेफ्रिजरेटर में 1000 वॉट की मोटर लगी हुई है, पावर गिवन है इसका मतलब P, जिसकी एफिशिएंसी 60% है, यानी कि रेफ्रिजरेटर की 40% पावर वेस्ट है, 60% एक्चुअल में काम कर। इसका मतलब प्रैक्टिकल पावर कितनी है जो एक्चुअल में यूज होनी है, इसका 60%, 600 वॉट है। कह रहे मुझे करना क्या है, ये रेफ्रिजरेटर T1 T2 गिवन है, लोअर और हायर टेम्परेचर इस पे काम कर रहा है, टाइम बताओ 32.5 केजी वाटर को आइस बनाना है, किसमें रखेंगे, सिंक में, इस पानी को सिंक में रखेंगे और Q2 निकालेंगे बाहर, कितना Q2 इज इक्वल टू ML, और ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन करेगी कितना Q1 - Q2, और उससे ये काम हो जाएगा। तो इसके अंदर ये हमें पावर पता है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी टी टाइम के लिए काम करती है और जिससे कि पानी आइस में जम जाता है, तो फिर वर्क डन क्या करेगी, पावर इनटू टाइम 600 इनटू टी, ये इतना वर्क डन किया इलेक्ट्रिसिटी ने।
पर इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन तो हमें भी करना आता है, कैसे? क्यू टू क्या है? एम एल, एम पता है, लेटेंट हीट पता है, मल्टीप्लाई करके क्यू टू निकाल लिया, टेम्परेचर और हीट की रेशियो से टेम्परेचर पता है, क्यू टू पता है, तो सॉल्व करके क्यू वन निकाल लिया, क्यू वन माइनस क्यू टू किया, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन हमने भी निकाल लिया। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक वर्क डन है, और जो ऊपर किया था 600 इनटू टी वो दूसरा वर्क डन है। दोनों को इक्वेट कर लिया, टाइम टू फ्रीज आ गया, इतनी देर में पानी जमेगा। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो एक बार हमने वर्क डन निकाल लिया Q1 माइनस Q2, और एक बार 600 इनटू टी।